नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से खाता बुक ऐप को कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, खाता बुक ऐप अपने बिजनेस की लेन देन को मेंटेन करने के लिए जो है यूज़ किया जा सकता है, और ये आपके जो है पर्सनल अकाउंटेंट का काम करेगा या आपके बही खाते को जो है मेंटेन करने का कार्य करता है ये ऐप मुफ्त में। और इसकी सहायता से जो है आप अपने ग्राहक को, जिससे आपको उधार लेना है, उधारकर्ता का जो ब्यौरा जो इसमें अपने सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। और इसके जरिए जो है आप इसमें आप नोटिफिकेशन ऑन करके करने का ऑप्शन है, इसको नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो आपको जो है जिससे उधार लेना है उसके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी मैसेज का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो रिमाइंडर भी आप सेट कर सकते हैं कि इस डेट को रिमाइंड करवाना है ग्राहक को हमने पैसा वापस करने के लिए, तो उसके लिए भी आप रिमाइंडर कर सकते हैं। तो इससे जो है आप को जो है ग्राहक से जल्दी उधार वापस लेने में भी आसानी होती है, मिल सकती है। और इस ऐप के द्वारा दोस्तों जो है आप अपने जो उसको उधारकर्ता का जो है पूरा लिस्ट तैयार करके उसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त तो उसको रिसिप्ट भी ऑनलाइन भेज सकते हैं। और इससे अपने नंबर के एक ही नंबर के द्वारा जो आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे उसी ऐप में आप जो अपने कई दुकानों का खाता भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आपके पास अगर एक से ज़्यादा दुकान है तो आप एक नाम से अलग अलग नाम से जो है दुकान का बना सकते हैं, और उनके उस दुकान के अंतर्गत जो उधारी लिया गया हो या आपको देना हो या आपको लेना हो कस्टमर से पैसे, तो उसका जो है वही खाता मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों ऐप लॉक का यूज़ करके आप जो है स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, इस ऐप को लॉक कर सकते हैं, तो आपके अतिरिक्त जो है कोई भी इस आपके बही खाते का हिसाब किताब को जो है इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता और नहीं कर सकेगा, और ना उन्हें आपके परमिशन के बिना देख सकेगा। और इसके अतिरिक्त जो ये आपके ऑनलाइन सेव रहते हैं सारे बही खाता, तो आपके खोने का भी कभी डर नहीं रहता है इस ऐप के जरिए जो अपने दुकान का यदि आप खाता मेंटेन करते हैं तो। और यदि आपका फ़ोन खो भी जाता है तो आप अपने फ़ोन अपने मोबाइल नंबर से किसी भी फ़ोन पे जो है ऐप डाउनलोड करेंगे तो फिर से आप अपने खाता का जो है जैसा आपने लिखा था वैसा पूरा आप जो है डिटेल प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों, इसके खाते इस ऐप के जरिए जो है खाता बुक में ग्राहक का नाम जोड़ सकते हैं और उसके बारे में सारी उसका जानकारी, एड्रेस सब कुछ उसकी लिख सकते हैं, वो पूरा अपना जो है मेंटेन कर सकते हैं। और यदि आप भाई खाते से लेन देन हटाना चाहें तो वो भी आप हटा सकते हैं। तो दोस्तों, और अपने भुगतान के संबंधित जो है आप रिमाइंडर भेजने के लिए भी जो रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। और तो दोस्तों, इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करेंगे और किस तरह इसका यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको जो है गूगल अपने एंड्रॉयड अगर आप बेस्ड फ़ोन स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपको अपने मोबाइल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर आइकन को क्लिक करेंगे और वहाँ से खाता बुक ऐप लिख कर जो है ये सर्च पर क्लिक करेंगे, और सर्च पर क्लिक करने के बाद ये खाता बुक का ऐप खुल कर आ जाएगा, खाता बुक ऐप का आइकन आ जाएगा। इसमें इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना होगा, और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद जब आपके फ़ोन में इंस्टॉल जाएगा तो ओपन पर आपको क्लिक करना होगा। तो ओपन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस खाता बुक ऐप को दोस्तों 11 भाषाओं में चलाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको अपने भाषा का चूज़ करना होगा कि आप किस भाषा में इस ऐप को जो है आपके अंदर खाता अपना मेंटेन करना चाहते हैं। तो यदि आप हिंदी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको खाता बुक का उपयोग करना प्रारंभ करें इस विकल्प पर क्लिक करना होगा, और फिर यहाँ नंबर आपका फ़ोन नंबर
नंबर ये ले लेगा खुद ही, तो उससे वेरिफिकेशन करने के बाद OTP को आपके फ़ोन पर आएगा मोबाइल नंबर पर, और वो जो है वेरीफाई हो जाएगा खुद ही, ये कर लेगा ऑटोमेटिक। और इसके बाद आपको जो है ये उस विकल्प पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। तो आपको यहाँ पर अपने दुकान का नाम लिखना होगा, तो नाम के अंदर आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो नाम लिखने के बाद जो आपको यहाँ से ग्राहक ऐड करने का जो है ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से ग्राहक ऐड कर सकते हैं प्लस पर करके। तो ये यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए यहाँ से आपको करना अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स को जो है करना होगा। तो लॉग करने के बाद जो है आप यहाँ से किसी भी इसमें से किसी भी कॉन्टैक्ट को जो है यहाँ से सेव कर सकते हैं, जिससे भी आपको उधार करता हो, जिसका भी आपको लेन देन रखना है उसको आपको ऐड करना होगा। और ऐड करने के बाद ये आगे चले इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद कितना बैलेंस उसका है आपके पास, उसको देना है आपको, उससे आपसे लेना है, आपको उससे लेना है, उसको यहाँ पर जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ अगर 5000 लिखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है कितने किस दिन का बैलेंस है ये आप यहाँ पर लिखना चाहें तो इस तरह से वो भी बैलेंस लिख सकते हैं कि कब से कब तक का बैलेंस बचा हुआ है आपको लेना है। और यहाँ पर उसका पता लिख सकते हैं, शहर किस शहर का वो है आपको कस्टमर जिससे आपको लेना है, और स्थान उसका जो है कौन सी जगह पर रहता है वो भी आप चाहें तो यहाँ लिख कर सेव कर सकते हैं। और उसके बिल की फ़ोटो यहाँ से भी आप सेव करके यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको अपना उसका बिल आपको स्कैन करके मोबाइल में सेव करना होगा। तो इस फोटो पर क्लिक करके आप बिल भी सेव कर सकते हैं अगर चाहें तो। और इसके बाद सेव करें विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो सेव करें विकल्प पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये ऑटोमेटिक व्हाट्सएप SMS चालू है इस पर। तो आपको जो है अगर आप यहाँ पर ठीक है कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसके पास जो है SMS चला जाएगा उस उधारकर्ता के पास जिसका आपने यहाँ एड्रेस डिटेल फीड किया है कि 5000 आपको जो है देना है, आपको उसको आपको देना है। तो ये SMS चला जाएगा तो इससे वो अगर भूल गया हो आपको देना तो उसे याद रहेगा इससे SMS के द्वारा नोटिफिकेशन मिलने के द्वारा, और आपका पैसा आपको जल्दी प्राप्त हो सकेगा। तो दोस्तों इसके बाद आप कर सकते हैं, इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है। इसके अंदर जो है आप यहाँ पर ये पैसे अगर इसका यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है राशि माल गया और राशि माल आया। तो यदि आपने किसी से आपके पास जो है आपने किसी छोटे विक्रेता से यदि आपने अपने दुकान में माल लिया है तो आपको पैसा देना है अगर किसी को उधारी, तो आप ये माल गया ये रेड बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है उसका डिटेल कर ले लिख कर फीड कर लेंगे। और यदि आपको या यदि आपको कस्टमर से लेना है पैसे वापस, कस्टमर के पास आपका उधार है तो आप जो है राशि माल आया आपके पास माल आना है तो आप जो है ये प्लस पर करेंगे और फिर उसका ये अमाउंट कितना आपको उधार लेना है वापस वो यहाँ पर लिख कर फीड कर सकते हैं और सारी जानकारी लिख कर फीड कर सकते हैं। और SMS के जरिए जो है मैसेज पहुँचता रहेगा, नोटिफाई होता रहेगा। तो आपको जो है आपका सारा जो है डिजिटल ये सेव रहेगा और आप अपने हिसाब किताब को भूल नहीं सकेंगे। तो इसके लिए जो है इस ऐप के जरिए आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है आपने एक बनाया है और आपको दूसरे अगर आपका दुकान है तो आपने नया पासबुक नया खाता बुक बनाए तो आप यहाँ व्यवसाय अपने दूसरे दुकान का जो है नाम लिख सकते हैं। और नाम लिखने के बाद जो है आप अपने कौन सा आपका दुकान किस चीज़ का दुकान है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है इस तरह से अपना जो है दूसरे दुकान का भी विवरण सेव कर सकते हैं। फिर आपको किससे पैसे लेने हैं या किससे पैसे देने हैं ये जिस भी
जिसका भी नाम आपके पास है तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है, तो आप वहाँ से सेव कर सकेंगे। और सेव करने के बाद जो है यहाँ पर आप उसका नाम लिख सकते हैं, ये मोबाइल नंबर सेव हो गया है, यहाँ पर नाम आप लिखेंगे। और आगे बढ़ने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पर उसके एड्रेस लिख सकते हैं और इस रिसिप्ट का बिल भी यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हैं। और इस पर से अपलोड करके सेव करें विकल्प पर क्लिक करेंगे तो उसके पास SMS पहुँचता जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपने खाता बुक से संबंधित जो है सारी जानकारी अपने पास रख सकते हैं और अपनी दुकान को चलाने में आप इस प्रकार से इस ऐप्स के जरिए जो सहायता प्राप्त कर सकते हैं। या आपके पर्सनल अकाउंटेंट का काम करेगा, आपके बैंक खाते को जो है सेव रखेगा और आपके उन ग्राहकों को जिससे भी आप उधार दिन हो गए अगर आप भूल भी जाए तो वो ये ऐप जो है उनको नोटिफाई करता रहेगा SMS के जरिए। और आप जो है उससे आप अपने दुकान से आप जो है वापस पा सकेंगे, अपना उधार ही जल्दी पा सकेंगे। और दोस्तों इस तरह से आप रिमाइंडर भी यहाँ सेट कर सकते हैं। और रिमाइंडर सेट करने के लिए आप जो है यहाँ पर नाम आपको जोड़ना होगा कि आज पेमेंट, यदि आपको मान लीजिए 3 दिन बाद पेमेंट मिलना है किसी से और आप जो है भूल जाए उसके या वो भूल जाए तो आप उसके लिए आप जो है यहाँ पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि आज का यदि करना है तो आरक्षित है तो यहाँ पर सूची में, तो यहाँ पर आपको जो है नाम जोड़ना पड़ेगा जिसका भी नाम आपने जोड़ रखा है। यहाँ पर इस तरह से रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये है तो यहाँ से आप जो है रिमाइंडर यहाँ से सेट करेंगे और देर से ऐसे रिमाइंडर कर देंगे और जोड़ने पर क्लिक करेंगे तो जो है वो उनके पास नोटिफिकेशन उस दिन डेट और टाइम रिमाइंडर उसके पास पहुंच जाएगा ग्राहक के पास कि आपको पैसे वापस देने हैं आज के दिन समय पर देने हैं। उस तरह से आप रिमाइंडर जो है रख सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे यूट्यूब चैनल sikhi.com को सब्सक्राइब कीजिए। Yes.